तो दोस्त अभी धन्नो को इस पिकअप व्हीकल पर लोड करके मैं और कर्मा भाई निकल पड़े हैं कारजोक से 80 किलोमीटर दूर चुमाथांग की तरफ। और चुमाथांग में ही पंक्चर बनाने की दुकान थी, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर ही हमें ये दो भाई मिलते हैं। कर्मा भाई ने अपने लोकल लैंग्वेज में इन लोगों से कुछ बात की और बॉस उसके बाद अचानक से इनकी आंखों में एक चमक आ गई थी। कर्मा भाई ने बताया कि तिब्बतन नोमैड्स के सुमदो गांव में एक 67 साल के बुजुर्ग रहते हैं। आज से 20-25 साल पहले अपने जवानी के दिनों में वो पंक्चर बनाने का काम करते थे, लेकिन दिक्कत बस ये है कि वो बुजुर्ग बहुत ही मूडी किस्म के आदमी है और पंक्चर बनाने के लिए मानेंगे या नहीं ये वहां जाकर ही पता चलेगा। अभी इस समय मेरी और कर्मा भाई की एक ब्रदरहुड वाली बॉन्डिंग हो चुकी थी। हम दोनों मस्त नाश्ते खाते चॉकलेट खाते हुए सुमदो गांव पहुंच गए। यहां पहुंचकर कर्मा भाई उन पंक्चर बनाने वाले अंकल को ढूंढने गांव के अंदर चले गए और थोड़े टाइम के बाद 67 साल के दुर्जय नाम के अंकल के साथ मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं। दुर्जय अंकल ने पहले मुझे और पिकअप वैन पर लोडेड धन्नो को देखा और फिर मुस्कुराकर बोला कि आप लोग बर्फ देखने के चक्कर में कहां कहां चले आते हैं। इस टाइम यहां गांव भर की पंचायत लग चुकी थी। बहुत सोच विचार करने के बाद दुर्जय अंकल पंक्चर ठीक करने के लिए मान गए, लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इनके पास 3 दशक पहले का टूल किट पड़ा हुआ था।